हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आटा, गुड़ और घी का यूज करके आटा कुकीज बनाए थे, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज। इसे हम ओवन में और बहुत ही सिंपल तरीके से तवे पे भी बेक करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। मैंने यहाँ पे हाफ कप सॉल्टेड बटर लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे है। इसमें हाफ कप पाउडर शुगर ऐड करके अच्छे से व्हिप कर लेना है, तब तक कि जब तक एकदम फ्लफी सा ना हो जाए। मैंने यहाँ चीनी को क्रश करके लिया है, आप चाहो तो कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हो। 2-3 मिनट व्हिस्क करने के बाद मिक्सचर व्हाइट हो जाएगा और एकदम फ्लफी बन जाएगा इस तरह से। ध्यान रखना है कि बटर ज्यादा जमा हुआ या मेल्टेड ना हो। अब इसी पर एक स्ट्रेनर रख देंगे और उसमें 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रेश कोकोनट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डेसिकेटेड कोकोनट ही यूज करेंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और जरूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल इजी मेजरमेंट्स। 1 कप मैदे के सामने बटर, शुगर और कोकोनट 1/2 कप लेना है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। मैंने यहाँ टोटल 2 से 3 टेबलस्पून दूध का यूज किया है। एक बार इसे कुकीज बना के चेक कर लेते हैं। अगर कुकीज अच्छे से बन जाए और साइड में क्रैक्स ना रहे तो ये परफेक्ट है। तो इस तरह से डो जैसा बना लेंगे और थोड़ी देर साइड में रख के बाकी की तैयारियां कर लेंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट करने रख दिया है और अब साइड में तवे को भी प्रीहीट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक फैला देंगे, एक स्टैंड रख के एक बड़े से पतीले से कवर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे। मोल्ड को भी ग्रीस कर लेंगे और ओवन के लिए ट्रे को भी ग्रीस कर लेंगे। आज मैं इस ट्रे पे बेक करूंगी। अब सारी तैयारियां हो चुकी है, हम कुकीज बना लेते हैं। एक मेजरिंग स्पून भर के डो लेंगे और उसे हाथों में थोड़ा सा दबा के अच्छे से शेप देंगे, गोला बना के धीरे से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी कुकी रेडी है। आप चाहो तो इसे नारियल के बुरादे में अच्छे से कोट कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। अब इसे मोल्ड में अरेंज कर देंगे। इसी तरह से बाकी की कुकीज भी रेडी कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से हाथों में शेप देंगे थोड़ा सा, बाद में गोला बनाएंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और मोल्ड में ऐसा अरेंज करेंगे कि कुकीज के बीच में थोड़ा सा गैप रहे ताकि उसे फूलने की जगह मिले। तो अब ये मोल्ड जाएगा तवे पर, इसे हम तवे पर बेक करेंगे। मुझे यहाँ बेक करने में 30 मिनट लगे, आपको टाइम थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है। ये कुकीज की थिकनेस और साइज पे डिपेंड करता है। बाकी की कुकीज हम इस ट्रे पे अरेंज कर देंगे और सेम उसी तरह 2 कुकीज के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे फूलने के लिए। मैंने इसे प्रीहीटेड ओवन में 160 डिग्री टेम्परेचर पे 25 मिनट के लिए बेक किया। अगेन, आपको टाइम थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है। तो ये तवे वाली कुकीज बिल्कुल रेडी है, इसे स्टैंड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओवन वाली कुकीज भी 25 मिनट के बाद रेडी है, इसे भी ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ठंडा होने के बाद कुकीज अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर और इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, जब कुकीज गर्म होती है तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे ठंडा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गर्म कुकीज को छुओगे तो वो टूट सकती है। ये देखिए, ये तवे वाली कुकीज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि तवे पे या ओवन में दोनों ही तरीके से बहुत ही बढ़िया कुकीज बन सकती है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।